कुछ अर्सा पहले हमने एक सिविक 10 जनरेशन RS का रिव्यू किया था, अगर आपने वो देखा है तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि सिविक की ये वो जनरेशन है जो कि पर्सनली इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और आज स्पेसिफिकली ये जो एग्जैक्ट गाड़ी हमारे पास खड़ी है, ये ओरिजिनली जब 2016 में लॉन्च हुई थी ये वो गाड़ी है। इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते थे और ये स्पेसिफिक गाड़ी जो है बाय द वे ये भी 2016 की ओरियल है। और इसको जो रिव्यू करने की वजह है वो ये है कि वक्त का भी यही तकाजा है और आप लोगों की डिमांड भी थी, और हमारा अपना भी यही ख्याल है कि यार जिस प्राइस ब्रैकेट में आजकल आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है, सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में आपको अगर आप यूज्ड ऑप्शन में जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उस ब्रांड न्यू गाड़ी से आज भी बहुत बेहतर है। और पहले हमने करोलाज भी रिव्यू किए हैं इससे, और आज हम सिविक को भी रिव्यू करेंगे। सो लेट्स सी कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट इसको अब 7 साल हो चुके हैं आए हुए, व्हाट डज दिस हैव टू ऑफर। शाहिल जाओ यार। सो मुझे क्यों दे दिए, अब हम ड्राइव पे चलते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ सिविक, जो इसकी सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो इसकी सीटिंग पोजीशन है। एज अ ड्राइवर आपको बड़ी प्लांटेड फील मिलती है गाड़ी की, और जब आप थोड़ा सा लो टू द ग्राउंड होते हैं तो ग्रिप का भी बहुत मज़ा आता है। फिर जो इसकी स्टेयरिंग की फील है, ऑल दो इसके एक वो प्रॉब्लम्स तो कुछ निकले थे, लेकिन जब ये गाड़ी का स्टेयरिंग सही चल रहा होता है तो मेरे ख्याल से तो क्लास लीडिंग है। अभी भी जो इसकी आप जब इसको मनूवर करना चाहते हैं तो सिविक का कोई मुकाबला नहीं है। हाई स्पीड्स की स्टेबिलिटी भी इसकी सबसे बेहतर है अपनी क्लास में अगर बात की जाए, और उसके अलावा लो स्पीड में भी इसे मनूवर करने में कभी भी कोई मसला नहीं होता। उसी के साथ साथ अब मैं थोड़ा सा रिकैप भी देना चाहूँगा। हम लोगों ने लास्ट वीक में डायरेक्ट कंपैरिजन किया था इसी गाड़ी का, ऑब्वियसली इलांट्रा भी थी, ऑल्दो इलांट्रा जब प्राइस ब्रैकेट में ऊपर है, लेकिन पॉइंट बीइंग के 4.5 मिलियन से 5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में कौन सी गाड़ी बेहतर है। सो लास्ट वीक में हम लोगों ने ये ग्रैंडे को रिव्यू किया था जो कि यूज में थी, 2017 मॉडल, और अब ऑब्वियसली हम होंडा फैंस को तो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, तो दिस टाइम वी हैव दिस आउटस्टैंडिंग ओरियल। ये भी यूज में है लेकिन इसकी कंडीशन टॉप नॉच है। चलाते हुए तो ड्राइवर का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत मुख्तलिफ है इफ़ यू कंपेयर दैट टू करोला। ऑब्वियसली इसके जो एस्थेटिक्स हैं डैश के वो बहुत अच्छे थे, मेरे ख्याल से तो करंट जनरेशन जो इसकी सिविक है उससे भी इस पर्टिकुलर जनरेशन का जो डैश का लेआउट है वो बहुत बेहतर है। उसके अलावा एक और चीज़, एक और जो सेगमेंट है जहाँ पे सिविक अभी भी क्लास लीडिंग है, वो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, गाड़ी की जो हाइट होती है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है, वो सारी चीज़ें फिर ट्रांसलेट करती हैं इनटू बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। जो ब्रेकिंग की स्पेसिफिकली अगर बात करें वो तो करोला से बहुत बेहतर है। अब जैसे कि मैं अभी नॉर्मल स्पीड पर जा रहा हूँ और जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया, देखें ABS भी किक इन थोड़ा सा लेट किया और गाड़ी ने अपने आप को उसी टाइम पे सड़क के साथ चिपका दिया। हैविंग ड्रिवन इलांट्रा एज वेल, दिस कार हैज बेटर ब्रेक्स देन एनी अदर कार इन द सेगमेंट। इवन जो आप नई सिविक के साथ भी कंपेयर करेंगे तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हुई थी। हाँ, उसका स्टेयरिंग थोड़ा सा लाइट है इसके मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं मुझे अभी भी सिविक 10 जेन के बहुत बेहतर लगते हैं। सो व्यूअर्स, आजकल हम लोग काफ़ी वैसे ड्रैग रेसेस भी कर रहे हैं और चेक भी करते हैं कि गाड़ी की एक्सेलरेशन में ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना फ़र्क पड़ता है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक 2021 जो इसका फेसलिफ्ट था ओरियल का, उसका भी रिव्यू किया था जो कि अंडर 10,000 किलोमीटर्स चली हुई थी, जबकि ये गाड़ी तकरीबन 50,000 चलने वाली है, 49,000 चल चुकी है टू बी एग्जैक्ट। तो अभी जो वीडियो आपके सामने आएगी उसमें ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि कितना डिफरेंस पड़ता है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं गाड़ी में, जब आपने बैठना होता है तो कीलेस एंट्री की बात करते हैं। ये वो गाड़ी थी कि इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि किसी भी PKTM गाड़ी के अंदर पहले नहीं आते थे। अब तो खैर पता नहीं होंडा को क्या हो गया, 11 जनरेशन ओरियल में से तो आप देखें उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फीचर, बल्कि जो फेमस हेलोजन हेडलाइट्स उन्होंने LED आ रही थी 10 जनरेशन फेसलिफ्ट में, उसको निकाल के हेलोजन कर दिया। एनीवेज जब ये आई थी तो तब हालात थोड़े से मुझे ज़रा बेहतर लग रहे थे, क्योंकि स्मार्ट एंट्री सिस्टम, ये वो गाड़ी है जिसके अंदर सबसे पहली दफ़ा किसी भी पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी में आया था, यहाँ तक के इससे महंगी फॉर्चुनर जो इससे एक साल बाद लॉन्च हुई थी उसके अंदर भी स्मार्ट एंट्री सिस्टम नहीं था। वो चाबी से स्टार्ट होती थी और रिमोट से बटन दबा के आपको खोलना पड़ता था। सेकेंडली यहाँ पे आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ब्रेक होल्ड का बटन नजर आ रहा है,
ये अगेन पाकिस्तान की पहली गाड़ी थी जिसके अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस हुई थी अलॉन्ग विद हिल स्टार्ट असिस्ट, और जहां तक मुझे याद है ट्रैक्शन कंट्रोल भी इससे पहले किसी भी पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी के अंदर नहीं आता था। क्लाइमेट कंट्रोल जो है ये 9th जनरेशन ओरियल में आता था, लेकिन 10th जनरेशन के साथ इसको हार्ड टॉप में भी स्टैंडर्ड कर दिया गया था। और रेयर एसी वेंट्स, ये अगेन वो चीज है जो कि इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में इलांट्रा तो उस पर खैर एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारी मार्केट में, करोला ही आती थी। और करोला के अंदर आज एज ऑफ 2023 भी रेयर एसी वेंट्स जो उनसे हैं वो नहीं आते, इस गाड़ी में आज से 7 साल पहले ही आ चुके थे। और एक और ऐसी चीज भी है जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की मार्केट के लिए, वो बहुत ही बड़ा स्टेप ये था कि पाकिस्तान में होंडा सिविक के अंदर, अभी खैर बैठे तो मोरियल में, लेकिन एज अ कार एज अ कंपनी टर्बोचार्ज इंजन 10th जनरेशन के साथ पहली दफा हमारी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। और आज भी अगर आप होंडा और टोयोटा में देखें तो होंडा में ही टर्बोचार्ज इंजन मिल रहा है आपको, टोयोटा के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि इवन जो ह्यूंडई एलांट्रा इसके बाद आई है, काफी रिसेंट पास्ट में आई है, उसमें भी जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बोचार्ज इंजन नहीं है। सो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि पाकिस्तान में सेडान्स के अंदर कोई भी और ऐसी गाड़ी इस वक्त नहीं है जिसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन आता है, और ये इंजन 7 साल पहले आ गया था। हाँ, ये सबको पता है कि इस इंजन के साथ इसका फेयर शेयर ऑफ इश्यूज रहा है, इसके साथ टीथिंग प्रॉब्लम्स आए थे, ब्रीदिंग इश्यूज आए थे, लेकिन स्टिल वेयर क्रेडिट इज ड्यू, ये एक ऐसी मूव है जो कि सबसे पहले होंडा ने ली थी यहाँ पे। ये जो स्पेसिफिक गाड़ी है, ये स्पेसिफिक यूनिट जो हम इस वक्त चला रहे हैं, इसकी एक्चुअली आई नो दी ओनर वेरी वेल, और इसकी जो हिस्ट्री है मुझे एक एक चीज उन्होंने बताई हुई है इसकी। ये गाड़ी ओरिजिनली विद सर्विस हिस्ट्री अभी तक अराउंड 50,000 के करीब चली है, और इस गाड़ी का अभी तक स्टेयरिंग रैक जो सा है वो रिप्लेस हो चुका है, और वो आउट ऑफ वारंटी रिप्लेस हुआ है। और वो जो सा स्टेयरिंग रैक है वो उन्होंने, जिसको हम कहते हैं जी काबली या यूज, वो डलवाया लेके, उसकी कॉस्ट आई थिंक कोई अराउंड 45,000 to 50,000 आई थी। और इस गाड़ी का एसी का एवेपोरेटर भी चेंज हो चुका हुआ है, और उसकी भी कॉस्ट जो है अगेन फ्रॉम द यूज मार्केट वो लगभग इसी के करीब थी। लेकिन उसमें जो पेनफुल पार्ट है वो ये होता है कि गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड जोन सा है ये खुलता है, ये बाहर आता है, ऑफकोर्स गाड़ी का स्टेयरिंग भी उतरता है, सारा डैशबोर्ड डिसेंबल होकर गाड़ी से बाहर निकलता है, गाड़ी एक तरह की आगे से बिल्कुल एक दफा इंटीरियर इज एब्सोल्युटली नेकेड, और फिर वो एवेपोरेटर चेंज होता है। और ये एक पेनफुल पार्ट इस तरह से है कि अगर किसी नॉन एक्सपर्ट बंदे ने किया तो कोई एक नट या बोल्ट या क्लिप अगर लूज रह गया है तो वो एक इंतहाई इरिटेटिंग किस्म की चीज होती है फॉर द ओनर एंड फॉर द ड्राइवर ऑफकोर्स। एक तो ये दो बड़े कॉमन इश्यूज थे, और ये इश्यूज अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जो स्टेयरिंग रैक वाला है ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 7 साल हो चुके हैं और ये अभी तक 11th जनरेशन सिविक में भी होंडा से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब बाकी जो ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, इस गाड़ी की रोड क्लियरेंस इज नॉट एज गुड एज करोला, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने पर्सनली भी 2-3 सिविक 10th जनरेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ओन की हुई है, लेकिन मुझे विद इन सिटी ड्राइविंग कभी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो नॉर्मल ब्रेकर्स हैं आपके कैंट के DHA, कभी गाड़ी वहां पे नहीं लगी। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी आपने कच्चे रस्तों पे जाना है, गांव जाना है, एग्रीकल्चरल लैंड्स की तरफ जाना है आपने, और टूटी हुई सड़कों पे जाना है, तो फिर बिल्कुल चांसेस हैं कि करोला शायद वहां से थोड़ी सी बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ गुजरे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना दे। सिविक बहुत ज्यादा अगर उससे मुकाबला करते हैं तो हाँ ये बात सच है, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए कोई बहुत ज्यादा इशू है नहीं। सो व्यूअर्स, अब ऑब्वियसली इस गाड़ी को भी हमने काफी एक्सटेंसिवली रिव्यू किया, और इसी के साथ जो इस प्राइस ब्रैकेट तकरीबन 4.5 to 5 million के दरमियान आपको करोला ग्रैंडे पड़ती है, साथ ही ये सिविक है। सेडान्स में तो यही है, ऑल्दो एलांट्रा थोड़ा लेट आई थी लेकिन उसकी कीमत में भी तकरीबन 1 million का इजाफा हो जाता है। खैर, स्टिकिंग विद होंडा सिविक, मेरे ख्याल से अगर तो यूज्ड गाड़ी लेनी है तो करोला थोड़ी सी ट्रबल फ्री रहती है, जबकि सिविक ऑब्वियसली अगर किसी अच्छे ओनर ने नहीं उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की हुई तब आपको ज्यादा वो तंग करेगी। तो ये तो मेरा ख्याल है, अगर आपने यूज गाड़ी लेनी है फर्स्ट प्रेफरेंस एटलीस्ट फॉर मी वुड बी अ करोला। सेकंड प्रेफरेंस ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है तो
तो सिविक फॉर श्योर। सो यू आर ट्राइंग टू से कि आप ब्रांड न्यू स्विफ्ट और ये वो जो भी अवेलेबल है 50 लाख की ब्रैकेट में आप उस तरफ नहीं जाओगे? हाँ, लास्ट वीक के रिव्यू में भी मैंने यही बात की थी कि स्विफ्ट की तो जो 5 मिलियन की ब्रैकेट है उसमें कोई सेंस नहीं बनती है, और ये जो सीरीज है यूज कार सीरीज इस टाइम पे पब्लिश करने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को भी हम एजुकेट कर सकें कि बहुत अच्छी गाड़ियाँ सेडान पर्टिकुलरली अवेलेबल हैं इस प्राइस ब्रैकेट में पाकिस्तान में। चलें, ये तो मेरा ओपिनियन था, व्हाट यू थिंक अली? यार एक्चुअली मैं पर्सनली, अब तो खैर ये बात जुबान ज़द आम है कि मैं सिविक को प्रेफर करता हूँ ओवर अ करोला, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैं गाड़ी मोस्टली खुद चलाता हूँ, इन दोनों में से मैंने पिक करनी है तो डेफिनेटली मैं सिविक पे करूँगा। लेकिन कैच ये होता है कि सिविक में आपने जो बात की अच्छी कंडीशन की गाड़ी, अच्छी कंडीशन की गाड़ी ढूंढना वाकई एक आर्ट है और एक ट्रिक है, और अच्छी कंडीशन की सिविक अगर आपको नहीं मिली तो लोग क्या करते हैं मार्केट में, वो कंपेरिजन क्या करते हैं, यार वो फलां गाड़ी मैंने देखी थी वो 16 मॉडल है, वो बंदा 2 लाख ज्यादा पैसे मांग रहा है और ये जो 2 लाख सस्ती मांग रहा है मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा, वो होता क्या है कि जो 2 लाख सस्ती गाड़ी होती है उसको लेके उस पर पता लगता है जी 2 लाख भी नहीं 4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा आपको। मेन ट्रिक क्या होता है, ये स्पेसिफिक जैसे ये गाड़ी है, ये एग्जाम्पल है, ये इस गाड़ी की डे वन से लेके आज तक कंप्लीट जो आप कहते हो ना सर्विस हिस्ट्री, ये देखो कंप्लीट इसकी आज तक लास्ट, ये देखो 2022 में इसका दिसंबर में जो लास्ट ऑयल चेंज हुआ है दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन दिस कार, और उससे पहले का आप ये देखो कंप्लीट व्हीकल हिस्ट्री इसके अंदर सारी अवेलेबल है। सो अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो तो यार फिर तो सेकंड थॉट बनता ही कोई नहीं है, फुल्ली कंप्लीटली होंडा मेंटेन गाड़ी हो, एक एक रिकॉर्ड उसका अवेलेबल हो, तो मेरा ख्याल है देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। ऑफ कोर्स ड्राइविंग प्लेयर है आपको, गाड़ी की ग्रिप और ब्रेकिंग इसकी डेफिनेटली करोला से बेहतर है, और एक अपना मजा है सिविक का, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सिविक, बट डोंट ट्राई टू सेव मनी। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा ओपिनियन रिगार्डिंग बाइंग यूज्ड होंडा सिविक और करोला ग्रैंडे। सो अगर आप लोग ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट कमेंट करें और हमें बताएं कि इस तरह का कंटेंट भी आप लोगों को पसंद आ रहा है, और मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, और जाने से पहले पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।